नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जूते और जो शूज़ रैक होते हैं, जो उनका स्टैंड होता है, वो कहाँ पे रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि पहले कहाँ नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल आपके जूते हैं वो कभी भी नॉर्थ में नहीं रहने चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं रहने चाहिए और ईस्ट पोजीशन में नहीं रहने चाहिए। ये आपके बेडरूम में भी नहीं रखे होने चाहिए जूतों का रैक या जूते, ना किचन में होने चाहिए, ना आपके पूजा घर में होना चाहिए। पूजा घर मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो पोजीशन है वहाँ पे। अब आप ये रखेंगे कहाँ वो मैं आपको बताऊँगा कि आप कोशिश करिए कि जो जूते का रैक है या तो वो वेस्ट डायरेक्शन में रखिए या साउथ वेस्ट में रखिए, क्योंकि ये आइडियल लोकेशन है शूज़ रैक के लिए। तो ये आप मेन हॉल में भी रख सकते हो या बाहर जहाँ से आप एंटर करते हो वहाँ के साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी रख सकते हो। और मैं आपको जूते के बारे में बताना चाहूँगा कि जूते कभी भी आप घर में जब एंटर करते हैं तो ऐसे नहीं रखे होने चाहिए, आपको उसे प्रॉपर रैक में रखना है, ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी चीज़ है कि आपको फटे हुए जूते बिल्कुल नहीं पहनने हैं, हो सके तो ये फटे हुए जूते जितने भी हैं शनिवार वाले दिन आप इसे दान कर दीजिए, काफ़ी फायदा होगा इससे। जूते हमेशा प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जूते ही है जो लोगों की स्टेटस बताता है, तो जो आप शूज़ या चप्पल पहनते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए।